गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट आज है बुधवार, तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे पाठ सर्वनाम, जो कि हमारे फाइनल टर्म के सिलेबस में है। सर्वनाम, बच्चों सर्वनाम को आप दो बार तीन बार बोलो, थोड़ा मेरे साथ बोलोगे सर्वनाम। फिर से बोलो सर्वनाम। तो बच्चों, सर्वनाम बोलने से आप नाम का मतलब तो जानते हो, और सर्व मतलब होता है सबका। क्या होता है? सबका। तो सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। तो आज हम इसी पाठ को पढ़ेंगे। इसके लिए मैं आपको पहले समझाऊंगी सर्वनाम होता क्या है, उसके बाद मैं इससे अभ्यास कार्य दूंगी, गृह कार्य दूंगी। तो पढ़ते हैं। आप देखो पिक्चर में ये क्या है, मैं, यहाँ क्या है, दो बच्चे हैं तो बोल रहे हैं हम। यहाँ क्या है, दोनों बच्चे मिलके किसी दूर बच्चे के बारे में बता रहे हैं, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं वह, वे। बाहर गेट पे कोई आया हुआ है तो अंदर से बच्ची बोल रही है कौन। ग्लास भरी हुई है, ग्लास में कुछ पड़ गया है तो कुछ। चित्रों के नीचे लिखे शब्द नाम की जगह आए हैं, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा की जगह आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की जगह आए उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम का एक छोटा सा मैं कविता सुना रही हूँ, जो आपके बुक में नहीं है, मैं सुना रही हूँ। कहते हैं मुझको सर्वनाम, आता हूँ मैं संज्ञा के काम। जब एक स्थान पर कोई संज्ञा आए, मुझे प्रयोग कर भाषा को सुंदर बनाए। एक बार फिर से सुनोगे बच्चों? कहते हैं मुझको सर्वनाम, आता हूँ मैं संज्ञा के काम। जब एक स्थान पर कोई संज्ञा आए, मुझे प्रयोग कर भाषा को सुंदर बनाए। ये है संज्ञा का एक छोटी सी कविता जो मैंने आपके लिए बताया है। अब मैं इसका अर्थ समझाती हूँ। कहते हैं मुझको सर्वनाम, मतलब पाठ का नाम सर्वनाम जो है उसको संज्ञा कहते हैं। आता हूँ मैं संज्ञा के काम, मतलब ये संज्ञा के जगह पे आता है। संज्ञा शब्द पढ़े हो बच्चों, संज्ञा यानी नाम। किसी भी नाम के जगह हम संज्ञा का प्रयोग करते हैं। और जब एक स्थान पर कोई संज्ञा आए, मान लीजिए आप दो किसी के बारे में आप बोलते हो, वैसे राम मेरा दोस्त है, तो राम मेरा दोस्त है। उसके बाद क्या बोलते हो? वह एक अच्छा लड़का है, तो वह किसके लिए प्रयोग करते हो बच्चों? राम के लिए। यानी वह एक अच्छा लड़का है, यानी कौन? राम। तो राम क्या है? एक नाम है। और नाम क्या है? संज्ञा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो जब एक स्थान पर कोई कई संज्ञा आए, मुझे प्रयोग कर भाषा को सुंदर बनाए। जैसे कि राम के बारे में अगर हम कुछ लाइन बोलेंगे, राम आपका दोस्त है, और मैं बोलूँगी राम के बारे में कुछ बताओ, तो आप बोलोगे राम मेरा दोस्त है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में तेज है, वह रोज स्कूल जाता है। तो आप क्या समझे बच्चे? बच्चों की राम जो है एक लड़का है, और बार बार हम वह यूज कर रहे हैं, वो किसके लिए यूज कर रहे हैं? राम के लिए। और राम क्या है? एक संज्ञा है। और इससे आप बार बार तो नहीं बोल सकते हो कि राम मेरा दोस्त है, राम एक अच्छा लड़का है, राम रोज स्कूल जाता है, राम पढ़ने में बहुत तेज है। तो ये बार बार हम राम का प्रयोग करने से ये वाक्य जो है सुंदर नहीं लगेगी। तो संज्ञा के बदले में नाम के जगह वह, यह, मैं, तुम, ये सब जो हम प्रयोग करते हैं, ये सब जो है ये भाषा को सुंदर और सरल बनाते हैं। तो इसका परिभाषा होगा जो शब्द संज्ञा की जगह आए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, ये आपने सीख लिया कि संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, वह, वे, कौन, कुछ। तो
तो ये सब सर्वनाम शब्द हैं बच्चों। इस पिक्चर में आते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ सर्वनाम शब्द, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, तू, तेरा, तुम, तुम्हारा, वह, उसका, उन, उनका, कौन, किसे, कोई, कुछ। तो बच्चों ये सब क्या है, ये सब कुछ सर्वनाम शब्द हैं। तो अभी हम सर्वनाम के बारे में और पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। मैं दूसरा वीडियो एक और बना रही हूँ और आपको भेजूँगी। बच्चों ये है हमारा दूसरा वीडियो सर्वनाम का। तो सर्वनाम का हम अभी आपने समझा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। अब आप वाक्य के प्रयोग द्वारा समझेंगे कि सर्वनाम शब्द को कहाँ प्रयोग किया जाता है और इसे एक सटीक वाक्य के रूप में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे है, निम्न चित्रों के साथ दिए गए वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो बच्चों आप देख रहे होंगे ढेर सारा ग्रीन वर्ड है। मैं अभी इसको पढ़ूंगी और समझाऊंगी कि ये सब क्या है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं पिताजी। जब आपके भी पापा कहीं जाते हो तो आप पूछते हो, तो ये आप जो है आप किसके लिए यूज़ कर रहे हो, पिताजी के लिए यूज़ कर रहे हो। आप अपने पिताजी को उनके नाम से नहीं बुलाते हो, तो ये नाम के जगह पे आप उन्हें कह रहे हो, पिताजी को बाद में यूज़ कर रहे हो। आप ये भी पूछते हो, पापा आप कहाँ जा रहे हो। तो कहाँ भी बच्चों एक सर्वनाम ही होगा, लेकिन अभी आप छोटे हो इसलिए आप छोटा छोटा वर्ड सीखो। तो कहाँ का मतलब भी यह है कि किसी स्थान पे आपके पापा कहीं जा रहे हैं, उस स्थान का कोई नाम होगा जो हमें नहीं पता है, तो आप उसके लिए हम कहाँ का प्रयोग कर रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं पिताजी, इसमें आप क्या है, सर्वनाम शब्द है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे। उसके पापा बोलते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे। यहाँ पे मैं जो है वो पापा के लिए यूज़ हो रहा है और तुम जो है आपके बच्चे के लिए यूज़ हो रहा है। तो मैं और तुम भी क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। नहीं, मुझे विद्यालय जाना है। तो बच्चा क्या बोल रहा है, मना कर रहा है कि मुझे विद्यालय जाना है। मुझे क्या हुआ बच्चों, बच्चा अपने लिए वो वर्ड यूज़ कर रहा है, तो वो मुझे क्या हो गया, बच्चे के लिए हो गया, ये भी सर्वनाम शब्द है। अब देखिए माँ और बेटे के बीच में बात हो रही है। माँ आज हम घूमने जाएंगे, आज हम घूमने जाएंगे। इसमें माँ और बच्चे के लिए कौन सा यूज हो रहा है, हम। पहले तुम अपनी परीक्षा की तैयारी कर लो बेटा। माँ क्या बोलती है कि बेटा पहले तुम अपने परीक्षा की तैयारी कर लो। तुम किसके लिए यूज हो रहा है, इस बच्चे के लिए। तो तुम भी सर्वनाम शब्द हुआ। मेरी तैयारी हो गई है, बच्चा जो है अपने नाम के लिए क्या यूज कर रहा है, मेरी, मतलब मेरी परीक्षा की तैयारी हो गई है, तो मेरी भी सर्वनाम शब्द है। अब है यहाँ शाबाश, फिर तो हम जरूर जाएंगे। तो माँ क्या बोलती है, वेरी गुड, मतलब शाबाशी देती है और बोलती है फिर तो हम जरूर जाएंगे। यहाँ फिर जो है हम किसके लिए यूज हो रहा है, माँ और बेटे के लिए। आपने देखा नाम के स्थान पर आप, मैं, तुम, मुझे, हम, मेरी आदि शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से किसी का नाम नहीं दिया गया, इन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। बच्चों परिभाषा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप पूरा चैप्टर को पढ़ लिए, लेकिन अगर कोई पूछता अच्छा सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं बताओ, तो आप इसको एक लाइन में परिभाषित करके समझा सकते हो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। तो ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है, इसे ही परिभाषा कहते हैं। जब आप चैप्टर पढ़ लेते हो तो आपके घर में कोई भी आपसे पूछता है कि अच्छा बेटा बताओ सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों ये है हमारा पाठ सर्वनाम। बच्चों अब मैं आपको एक और बात बता दूं, सर्वनाम शब्द में आप एक चीज मैं बता रही हूँ, अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द। तो अपने लिए आदमी क्या प्रयोग करता है, मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा। अब देखो बच्चों यहाँ
दूसरे के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द, वह, उसे, उसका, वे, उन्हें, उनका। किसी के नज़दीक होने का प्रयोग, किसी के नज़दीक होने का प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द, इसे हम पढ़ेंगे यह, इसे, इसका, ये, इन्हें, इनका। छोटे व अपने बराबर वालों के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। अपनों से बड़ों के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम शब्द, आप, आपने, आपको। तो बच्चों, यहाँ पे आप अपने लिए, दूसरों के लिए, नज़दीक होने के प्रयोग के लिए, छोटों और बराबर वालों के लिए और अपने से बड़ों के लिए आपने ढेर सारा सर्वनाम शब्द सीखा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपका सर्वनाम शब्द जो है आप समझ गए होंगे कि सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं। तो बच्चों, एक बार मैं फिर से आपको एक और परिभाषा सिखा देती हूँ, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो बच्चों, ये हमारा सर्वनाम शब्द का पाठ, जो व्याख्या मैंने की है, उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इससे संबंधित आपको अभ्यास कार्य भेजेंगे, जिसे आप ध्यानपूर्वक करेंगे और स्पष्ट और सुंदर अक्षरों का प्रयोग करके करेंगे। धन्यवाद बच्चों।